बताया जा रहा था कि राखी की अचानक तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल के बेड पर बेसुध हालत में लेटे हुए राखी सावंत की फोटोज भी इंटरनेट पर वायरल हुई थी। अब इन खबरों पर एक्ट्रेस के एक्स हस्बैंड रितेश ने अपना रिएक्शन दिया है। रितेश ने कहा कि राखी 2-3 दिन से शिकायत कर रही थी कि उन्हें चेस्ट में पेन हो रहा है और पेन काफी सीरियस हो गया। वो बोल रही थी कि चलने पर पेन बढ़ जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल जाने के लिए निकले तो वो बेहोश हो गए। उन्हें चेस्ट के बीच में दर्द हो रहा था, पहले से कोई भी सिम्टम नहीं थे। उनको कैस्केडिंग इफेक्ट कह सकते हैं। देखिए, राखी 2-3 दिन से कंप्लेन कर रही थी कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है एंड लाइक कल वो पेन जो है काफ़ी सीवियर हो गया। सीवियर इन द सेंस कि जब हम लोग शूटिंग के लिए जा रहे थे, रास्ते में वो काफ़ी अनकॉन्शियस होने लगी और अजीब तरीके से उसको लाइक चेस्ट में पेन होने लगा। हालांकि सुबह में जाते वक्त वो बता रही थी कि उसके चेस्ट में सेंटर में पेन हो रहा है, हाथ में भी थोड़ा सा दर्द है एंड चलने पर वो पेन बढ़ जाता है। बहुत दिन से वो कंप्लेन ये कर रही थी, बट हमें लगा कि ये नॉर्मल आई मीन्स कभी भी हाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है तो होता है। तो बट कल ये सीवियर हो गया और जब वो कार में काफ़ी उनको प्रॉब्लम होने लगी तो मैं वहाँ इमिडिएट में नज़दीक के हॉस्पिटल में मैं उनको एडमिट करा।